नाक देखिए, नोज बेबी सॉफ्ट हो गई है। हे फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल इशारा पे, और मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना स्किन केयर, इवनिंग स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं डेली तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 से 3 बार मैं ये स्किन केयर रूटीन जरूर करती हूँ। और इससे होता क्या है, इससे आपकी जो स्किन है वो आप एक तरीके से कह रहे हो ये एक मिनी ब्लीच है। अगर आप ये वाला पैक लगाते हो हफ्ते में 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन वीकली, तो आपके चेहरे पे टैनिंग होगी ही नहीं कभी, और अगर है तो वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। आपके जो फेस का कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर हो जाएगा, ब्राइटन अप हो जाएगा। व्हाइटन अप पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, फेयर होगा, ब्राइटन अप होगा, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो इवन टोन होगा, आपका जो स्किन है वो टाइट होगी, आपके जो पोर्स हैं वो भरेंगे, वो मिनिमाइज होंगे, और आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल इवन टोन हो जाएगा। देखिए, मार्केट से लाने की कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी रेमेडी बता रही हूँ सब घर पे है, आपको घर पे अप्लाई करना है, इसको लेना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है। सो डियर, मैं हूँ स्मृति, मेरे चैनल का नाम है इशायरा। अगर आप पहली बार मुझे मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल इशायरा। अगर आप नए हो तो प्लीज आपको करना क्या है, इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ साइड में दी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, जिससे आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, और साथ में आपको जो बेल बटन है ना उसको जरूर क्लिक कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और आप भी आनंद ले सको इन DIYs का, जो कि बहुत ही सिंपल है, इफेक्टिव है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो मैं ले रही हूं वो है दही। दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, आपके जो पोर्स हैं उसको मिनिमाइज करेगा, आपका जो अगर सन टैन है इसको ये बहुत अच्छे से ठीक करेगा, रिंकल्स हैं, पिगमेंटेशन है इसको ये फिक्स करेगा, साथ ही साथ आपके जो यहाँ यहाँ सन टैन्स हो जाती हैं या झाइयाँ हो जाती हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये मेरा घर का दही है, अगर आप घर का दही यूज़ करो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ घर की होती है उसके तो कहने ही क्या, और आप जितना खट्टा दही हो उतना ही अच्छा है। तो ये मेरा एक दिन पुराना दही है और ये घर का जमा हुआ दही है, पहला इंग्रेडिएंट है दही। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे मिलाऊंगी वो है आटा, जी हाँ, गेहूं का आटा, जो घर पे ही रहता है, जो कि जिसकी रोटियां बनती हैं और हर घर में होता है। इसमें होता है ग्लाइकोलिक एसिड, जो आपकी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है। अगर आपको सही ढंग से पता चल जाए कि आपको आटा कैसे यूज करना है, तो आपकी स्किन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो कहने ही क्या है। तो यहाँ पे मैंने ली है 2 चम्मच दही और इसमें मैं मिलाऊंगी 1 चम्मच, ये लगभग 1 चम्मच ही आटा है, मैंने पहले से ही निकाल के रखा है, और इसमें मैं मिलाऊंगी फुल 1 स्पून आटा। इन दोनों का आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस टाइप से आएगी, जैसे आपको पहले लगेगा कि नहीं ये बहुत थिक है, लेकिन जैसे जैसे आप मिलाओगे ये थोड़ा सा फर्म होता जाएगा और ये सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है लेमन जूस, आधा लेमन में मिलाऊंगी, जिनको लेमन सूट नहीं करता है वो टमाटर का रस भी ले सकते हैं। वैसे लेमन अगर आप डायरेक्टली अपने फेस पे लगाओ तो नहीं सूट करेगा, लेकिन आप किसी के साथ मिक्स करके लगाओगे तो बहुत अच्छे से सूट कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं मिलाऊंगी 1/2 लेमन जूस, क्योंकि ये मेरा लेमन जूस बेचारा टाइप का हो चुका है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निचोड़ के आधा तो निकाल ही लूँगी। लेमन जूस विटामिन सी से भरपूर होता है, ये आपके दाग धब्बों को लाइटन अप करता है, आपके रिंकल्स को लाइटन अप करता है, आपके फाइन लाइन्स को लाइटन अप करता है, एक बहुत अच्छा सा ग्लो लाता है। अगर आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है तो आप
लेमन का यूज करना शुरू कर दीजिए, लेमन वाटर पीजिए, लेमन का जूस आप अपने लगाइए अपने फेस पे किसी के साथ भी मिक्स करके, तो आपका ग्लो कहीं नहीं जाने वाला है और आपको गजब का ग्लो और गजब का निखार मिलेगा। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट आई एम श्योर कि आपके पास जरूर होगा, आटा होगा, दही होगा और लेमन होगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे यूज करूंगी वो है ये विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि ब्यूटी कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मार्केट भागने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो या फिर देसी घी, जो आपके घर में देसी घी घर का निकला हुआ होता है वो आधा चम्मच आप यूज कर सकते हो। ट्रस्ट मी, जो देसी घी आपकी स्किन पे ग्लो लाता है ना, गजब का लाता है, बहुत ही सुंदर निखार लाता है। या फिर आप तिल का तेल या मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हो या फिर आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो इसकी मैं यहाँ पे मिलाऊंगी एक कैप्सूल, इसलिए क्योंकि अभी ठीक ठाक सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं, तो इसमें एक कैप्सूल इनफ है। जब भर की सर्दी आएगी तो मिलाना है आपको दो कैप्सूल। तो इसमें मैंने मिला लिया है एक विटामिन ई का कैप्सूल, ये बहुत ही थिक कैप्सूल होता है लेकिन ये आपके फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, न्यू सेल्स को ये रेजुविनेट करता है, आपकी डेड स्किन को निकालता है और बहुत ही अच्छे से आपके चेहरे पे निखार लाता है। तो इन सब को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। अब आपको ये वाला पैक अच्छे से लगाना है, देखिए बाल बाल देखते रहिएगा, बाल बाल ना जाए। तो इस तरीके से आपको अपने इस वाले पैक को अच्छे से लगा लेना, पैक कम ब्लीच आप कह सकते हो। तो इस तरीके से आपको लगाना, देखिए अगर आपने अपना फेस वॉश नहीं किया है तो आप कर लीजिए, मैं अपना फेस को अच्छे से वॉश करके बैठी हूँ तो मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे पूरे फेस पे आपको लगा लेना है और लगाने के बाद आपको छोड़ना है इसको 20 मिनट के लिए। तब तक आप घर का कोई भी काम निपटा सकते हो, अपना फेवरेट सीरियल वॉच कर सकते हो, नेटफ्लिक्स पे कोई आपकी वेब सीरीज हो वो आप निपटा सकते हो, यार मैगजीन पढ़ लो, कुछ भी कर लो। आप इसको बना के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर मुझे ये पैक लगा के पूरे 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसको आपको छुड़ाना कैसे है, देखिए थोड़ा सा अपना हाथ आप गीला करिए, देखिए मैंने मैंने गीला कर लिया है। अब आपको इसको धीरे धीरे रब करना है, हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है यहाँ पे, जिससे कि आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट मुलायम बहुत अच्छी हो जाएगी। रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन वाले मिलने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप इसको रेगुलर लगाओगे ना हफ्ते में 2 से 3 बार, आपका चेहरा इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इवन टोन हो जाएगा, टैनिंग खत्म हो जाएगी, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं वो रिड्यूस होने लगेंगे और सर्दियों में भी आपका जो फेस है वो इतना अच्छे से ग्लो करेगा। तो चलिए मैं अपने फेस को अब नॉर्मल पानी से वॉश करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ओहो नाक देखिए, नोज बेबी सॉफ्ट हो गई है। तो डियर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया विद नॉर्मल वाटर से और इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे जैसे आप लगाते जाओगे इसको, वैसे वैसे आप खुद ये बात फील करोगे, आप महसूस करोगे कि आपके चेहरे की जितनी भी गंदगी है, डर्ट है और जो चेहरे पे एक मैल की परत नहीं जम जाती है वो बिल्कुल निकल गई है, बिल्कुल मतलब जो लेमन होता है वो बिल्कुल अच्छे से निकाल देता है आपकी गंदगी। जो इसमें आटा है वो माइल्ड स्क्रबर का काम करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है। दही है वो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, उसमें होता है लैटिक एसिड जिस वजह से वो बहुत अच्छा वर्क करता है। आप खुद देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ओहो। वैसे तो मैं ये करती रहती हूँ, आपके साथ शेयर किया, आप ज़रूर करिएगा ये वाली रेमेडी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये वाली रेमेडी। तो डियर ये थी मेरी आज की प्रस्तुति, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा स्मृति द्विवेदी 23 और वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हो
और आपको एक काम भी करना है, आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही अच्छी मैं लेके आऊंगी, बेहतरीन वाली DIY जो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। बाय, टेक केयर।